हाय एवरीवन, मैं नीलम सिंह अपने किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है सेव। आज मैं जैसे सेव टमाटर की सब्जी तो आप घर पे बनाते होंगे, बट बहुत लोग ऐसे हैं जिनको सेव बनाना नहीं आता तो वो मार्केट का सेव यूज करते हैं। बट मैं आपको बताऊंगी आज सेव बनाना जो आप घर पर बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकती हैं। लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तब प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेव बनाने के लिए मैंने लिया है एक बॉल में 250 ग्राम बेसन, और इसमें मैं थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा टर्मरिक पाउडर इसमें नहीं डालेंगे, हाफ टी स्पून ही डालेंगे, और इसमें हाफ टी स्पून ही डालेंगे जीरा और काली मिर्च, और सॉल्ट डालेंगे इसमें, सॉल्ट भी इसमें हाफ टी स्पून डालेंगे। अब से एक थिक सा पेस्ट तैयार करेंगे, पेस्ट बहुत पतला नहीं करेंगे, इसे हाथ की सहायता से ही इसका पेस्ट तैयार करेंगे, और इसे इस तरह अपने हाथों से अच्छी तरह मिलाएं। हमारा ये पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसे आइए तलने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसे गैस पे चढ़ाएंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल फुल रखेंगे। सेव बनाने के लिए सबके घरों में इस तरह छनोटा होता है जो हम इससे सेव बनाने के काम में लाएंगे। इससे भी बहुत अच्छा और पत्ती पत्ती सेव बन जाती है और अच्छे तरीके से, तो हम इसी से सेव बनाना बताएंगे आपको। हमारा तेल बिल्कुल हीट हो गया है, अब इसमें हम सेव बनाने के लिए डालेंगे इस तरह, और इसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते रहें। हमारा सेव हो गया, अब इसे हम बाहर कर लेंगे। इसी तरह हम धीरे धीरे करके सेव बनाते रहे। सेव बनाते समय हम गैस का फ्लेम बिल्कुल फुल रखेंगे जिससे कि हमारा सेव अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। और इसे कढ़ाई से निकालने से पहले हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। हमारा सारा सेव फ्राई हो गया है, अब गैस को ऑफ करेंगे और इसे बाहर कर देंगे। तो मैंने ये सेव फ्राई कर लिया है, आप देख सकती हैं ये बहुत सारा है। अगर आप चाहें तो आप इसे अपने कंटेनर में रख सकती हैं, और जब भी आपको सेव और टमाटर की सब्जी खाने मन करे निकालिए, बनाइए और खाइए। तो मैंने बताया बहुत ही आपको ये इजीली तरीके से सेव बनाना, जो कि बहुत ही बना के आप अपने घर में रख सकती हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ये सेव बनाने का तरीका कैसा लगा, मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक किसी नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, बाय बाय।